हाय एचवीसी टीम, भाई कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। भाई ये वीडियो है हमारे चिलर की ट्रबल शूटिंग कैसे होती है या कैसे की जाती है, ठीक है? जो भी आपके अंदर डाउट है वो चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर करने की फुल ट्राई करता हूँ। देखिए, ये ट्रबल मतलब होता क्या है कि परेशानी या दिक्कत या प्रॉब्लम। जब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस दिक्कत को जो निपटा लेते हैं, उस दिक्कत को हम ठीक कर लेते हैं, तो उस वर्ड को बोला जाता है ट्रबल शूटिंग, यानी हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, ठीक है? अब देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमने कोई कोई है कि हाँ मतलब अचानक ही आ गई, यानी बगैर बताए ही आ गई, लेकिन 90% आपको पता है कि अगर कोई चीज़ दिक्कत कर रही है तो ही वो आगे चल के आपको प्रॉब्लम देगी। यानी अगर कोई चीज़ लूज है, कोई चीज़ दिक्कत है, तब भी वो हमारी ट्रबल बनेगी। जैसे आपको आप सिंपल सा जो है एग्जांपल है आपके सामने, जो भी हैं आप, आपके पास कार है या बाइक है, जो भी है, बाइक की बात ली जाए तो आपको ये चीज़ मालूम है कि हमारे टायर के अंदर कितनी हवा होनी चाहिए कि हम दो लोग आसानी से 100 किलोमीटर या जो 50 किलोमीटर आसानी से जा सकें। अगर आपने ये चीज़ नहीं चेक की कि हमें कितनी हवा होनी चाहिए, अगर इनकेस आपकी हवा कम है तो क्या होगा, आपकी बाइक में जो है टायर में दिक्कत हो जाएगी, आपका टायर पंक्चर भी हो सकता है अगर हवा कम है। तो ये चीज़ चेक करना वो एक PPM होता है, ठीक है? आपके अंदर पेट्रोल कितना है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल कितना है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर तक जा सकती है। अगर आपने उस चीज़ को भी चेक नहीं किया तो क्या होगा, आपके पास ट्रबल आएगा, यानी परेशानी प्रॉब्लम आएगी। उस चीज़ को फिर आपको रिजॉल्व करने के लिए आपको टाइम लगेगा कि आपकी गाड़ी कहाँ रुक जाएगी, ठीक है? कहीं पेट्रोल पंप है तो उसी चीज़ को हम, जब उस चीज़ को हम हैंडल कर लेते हैं, ठीक है, यानी पेट्रोल डाल लिए, हवा प्रॉपर डाल ली, वो होगी हमारी ट्रबल शूटिंग। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को ध्यान दिया है ठीक से कि हमारे पास प्रॉब्लम आए ही ना, तो हमें क्या करना है, हमें हवा को चेक करना है, हमें पेट्रोल को चेक करना है, हमारे पार्ट्स को चेक करने कि हमारी गाड़ी ठीक है कि नहीं, ये सर्विस लाइक नहीं है, तो अदरवाइज ये होता है। तो ये एक एग्जांपल है। तो सेम हमारे चिलर की बात हम कर रहे हैं, तो हमारे चिलर में हमारी गैस का कितना प्रेशर होना चाहिए, हमारे ऑयल यानी ल्यूब ऑयल का प्रेशर कितना होना चाहिए जो हमारे कंप्रेसर में ऐड हो रहा है, ठीक है? ये चीज़ें आपको हर चीज़ मालूम होना चाहिए कि हमारे पानी का प्रेशर कितना होना चाहिए, हमारे कूलिंग टावर वाटर का कितना प्रेशर होना चाहिए जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ तो आप याद रखें कि सिस्टम, देखिए ये आप सिस्टम देख लें, यहाँ का सिस्टम देख लें, क्लीन होना चाहिए आपका सिस्टम जो भी है। आप अगर AC ऑपरेटर हैं या AC इंजीनियर हैं, जो भी हैं, जहाँ तक हो सके अपने काम से जो मोहब्बत करिए, अपने काम से प्यार रखिए। देखिए, जो चीज़ आपको पैसा देती है ना यार, जो काम आपको पैसा देता है, आपको रोटी खिलाता है यार, तो उससे मोहब्बत करिए। देखिए, आप अगर मोहब्बत करेंगे काम से तो उस चीज़ में लगाव होता है, तो आपको ऑटोमेटिक एक जो है इंटरेस्ट बनेगा आपको काम को सीखने के लिए, ठीक है? तो अगर सीखेंगे तो कोई भी काम छोटा नहीं है। या ऐसा नहीं है कि अगर आप एक ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर लेवल का बनिए कि हर चीज़ मालूम होना चाहिए। किसी फील्ड में हैं आप तो उस लेवल तक साला जो है ना घुस जाने का कि हम अपने फील्ड के मास्टर रहेंगे, ठीक है? तो ये होता है यार। तो हम अपने आ जाइए अपने जो है हम मतलब जो है टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा ट्रबल होता कैसे, कि प्रॉब्लम कैसी होती है कि यार अब अचानक से ये कंप्रेसर यार निकल के तो भागेगा नहीं ना, या ये कंडेंसर है हमारा सेल एंड ट्यूब टाइप, ये भागेगा तो नहीं ना, जो भी है बस ये ट्रिप होगा, हमारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। क्योंकि ये सिस्टम पे जो है ना हर तरह के ये जो सेंसर लगे पड़े हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर है, ये अगर हाई डिस्चार्ज करेगा ये ऑफ करवा देगा, ये हमारा प्रेशर है, ये हमारा प्रेशर सेंसर है, ये अगर एक्स्ट्रा प्रेशर मिला तो ये ट्रिप करवा देगा, जो हमारी गैस का प्रेशर है वो चीज ट्रिप करवा देगा। आप ये देख रहे हैं, ये हमारा वाटर फ्लो स्विच है, इसका काम होता है कि हमारे पानी को मेजर करना। अगर पानी यहाँ पे क्या रहता है, एक जो पैडल लगी होती, पैडल मतलब क्या होता है, एक जो ब्लेड की तरह होती हल्की पट्टी सी, ठीक है, इससे कनेक्ट रहती है, ये क्या होता है, यहाँ से पानी ये रिटर्न होता है। तो याद रहे, ये भी एक क्वेश्चन होता है कि आपका जो वाटर फ्लो स्विच किस लाइन में लगता है, तो चाहे हमारी शील्ड लाइन हो चाहे हमारी कंडेंसर लाइन हो, दोनों की आउट लाइन में लगाया जाता है, ठीक है? तो ये जो पैडल होती है ना, कोई चीज अगर पानी का प्रेशर होता है ना कहीं से, अगर पानी का प्रेशर हमारा ऐसे आ रहा है ना, तो ये जो पैडल है ना, पैडल ऐसे हिलेगी क्योंकि हल्की पट्टी सी लगी रहती है, बस ये पट्टी ऐसे हिलेगी, तो यहाँ पे NO से NC बनता है, नॉर्मल ओपन से नॉर्मल क्लोज बनता हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हमारे चिलर ऑन हो जाता है। अगर ये पानी का प्रेशर हमारा स्लो हो गया और ये पट्टी, ये जो है ना, ये पट्टी यहां से ऐसे आ गई ना,
तो क्या होगा, हमारा चिलर ट्रिप करवा देगा। तो ये हमारा जो है इसके ऊपर मैंने इस चीज को, अगर ये खराब जाए तो कैसे इसको बाईपास किया जाता है या इसका ये जो टोटल काम कैसे होता है, ये मैंने वीडियो आपको ऐड की हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं कि हम कहाँ पे थे। ये भी देखिए, पहली चीज तो होती है सेफ्टी, हमारे चिलर की सेफ्टी क्या होनी चाहिए जिस वजह से हमारा चिलर ट्रिप होगा, जिस वजह से हमारी ट्रबल शूटिंग आएगी। पहला होता है हमारी सेफ्टी, देखो मोस्टली हमारी सेफ्टी 6 होती है। कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछे, या अब्रॉड में है, या दुबई में है, कतर में, ओमान में, जहां भी हैं आप, चिलर की बात करें वाटर कूल चिलर की, तो हमारी 6 सेफ्टी। पहला होता है हमारा लो ल्यूब ऑयल टेम्परेचर या प्रेशर, जो हमारे चिलर में ऑयल पड़ता है, जो हमारे कंप्रेसर में ऑयल ऐड किया जाता है, उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होना चाहिए। दूसरी सेफ्टी है हमारी हाई कंडेंसिंग प्रेशर। तीसरी सेफ्टी है हमारी लो प्रेशर टेम्परेचर, लो प्रेशर टेम्परेचर या लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट, ठीक है। फोर्थ है हमारा वाटर फ्लो स्विच, जो मैंने अभी आपको दिखाया वाटर फ्लो स्विच, वो एक सेंसर है हमारे पानी को मेजर करना, कैसे मेजर किया जाता है। फाइव्थ है हमारा एंटी फ्रीज। सिक्स है हमारा एंटी सर्ज। ये सबकी वीडियो मैंने सेपरेट अलग से बना के रखी, एंटी फ्रीज क्या होता है, एंटी सर्ज क्या होता है, ठीक है। लेकिन मैं यहां भी आप बात हो रही है ट्रबल शूटिंग की, तो कैसे इस चीज को जो है हम निकालते हैं, यानी अगर अलार्म आ जाए तो हम उसको कैसे ठीक करें, क्या चेक करना चाहिए, पंप चेक करें या हमारा सेंसर चेक करें या हमारा जो भी है, अदरवाइज मैं इस चीज के लिए आपको क्लियर करता हूं, ठीक है। देखिए पहला चीज हम यहां पे देख लेते हैं, लो ल्यूब ऑयल प्रेशर। देखिए तो लो ल्यूब ऑयल प्रेशर हमारी फर्स्ट सेफ्टी होती है। याद रहे जो हमारे ये आप देख रहे हैं ये कंप्रेसर है, आपको मैंने ये चीज नहीं बताई कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे यॉर्क चिलर हैं, देख रहे हैं ये लाइन से लगे हुए, ये 4 चिलर जो देख रहे हैं ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप कंप्रेसर है, 650 TR का यॉर्क चिलर है, वाटर कूल टाइप, ठीक है। तो आप यहां पे मैं आपको ये दिखा दूं, हमारा ऑयल प्रेशर अभी ये ऑफ पोजीशन पे है, ऑफ पोजीशन पे तो आप यहां पे आप चेक कर सकते हैं 0.37 जो भी है PSI, ठीक है। लेकिन याद रहे ये टेम्परेचर अगर ये ऑफ भी रहेगा ना, तब भी इसको 40-42 डिग्री सेल्सियस यहां पे देख ले हैं, आपको 118 degree.1 फारेनहाइट पे आपको ये टेम्परेचर मिल रहा है। तो यानी अगर आप इसको जो है सेल्सियस में लेंगे तो ये करीब 45-46 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी 40 से 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, नहीं तो ये ऑफ ऑन नहीं होगा कंप्रेसर। एक क्वेश्चन ये बनता है, अगर कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि अगर क्या हम अपने चिलर को 100% ऑफ कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि हमारे ऑयल को हीट के लिए सप्लाई देनी चाहिए। क्योंकि देखिए यहां पे हमारा चिलर ऑफ है, लेकिन फिर भी ये 2 kW इनपुट कर रहा है, यानी 2 kW ये यूनिट ले, 2 kW इसकी सप्लाई ले रहा है। ये देख ले, ये हीटर है इसका, ये हीटर, ये जैसे ही 40 से नीचे आएगा ये खट से ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक, और ये ऑयल को हीट कर देगा। जैसे आपकी बाइक ठंडियों में या फिर कोई 4-व्हीलर हो ठंडियों में स्टार्ट नहीं होती, तो ऑयल जो है ना वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद क्या होता है, वो जो है ना गाढ़ा ऑयल हो जाता है, गाढ़ाई की वजह से ना वो मोमेंट पार्ट्स में ठीक से घूम नहीं पाता। मैंने लुब्रिकेशन की जो है पूरी वीडियो अपलोड की है, आप उस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है, कैसे जो लुब्रिकेशन होता है, तो गाढ़ा ऑयल हो जाता है तो वो ठीक से घूम नहीं पाता सारे मोमेंट पार्ट्स में। तो इसलिए ये जो गर्म होने पर क्या होता है, उसकी वेपर यानी कुछ फॉर्म मान के चलिए वेपर हो, तो वो ऑयल पतला हो जाता है, तो सारे मोमेंट पार्ट में आसानी से घूम जाता है। तो याद रहे ऑयल का टेम्परेचर आपका ऑफ पोजीशन पे 40 से 45 स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका 50 से 55 तक वो जो है जाता है, और प्रेशर आपका 35 PSI। याद रहे गैस हमारी R134 है, जो हमारा ऑयल यूज हो रहा है, पॉलीईस्टर शॉर्ट नेम POE, ये ऑयल उन्हीं गैस के साथ यूज होता है जो HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के साथ होता है, जो हमारी R134A, R410, R12 के साथ ये गैस ये ऑयल यूज होता है। तो अगर वो दिक्कत आ जाती है, ये बाय द वे जल्दी से ऑयल का कोई नहीं आता, ठीक है, ऑयल का कोई इंडिकेट, लेकिन अगर फिर भी आ जाए तो आपको हीटर चेक करना होगा, आपके मोटर का प्रेशर कितना, ये सब आपको चेक करनी होगी, वहां से आपका ट्रबल शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज आपने देखा होगा, यॉर्क चिलर की बात कर रहे हैं हम, यॉर्क चिलर पे, यॉर्क चिलर आपका 1000 hour के बाद, यहां आप देख रहे हैं यहां पे 1485 ऑपरेटिंग आवर है, ये 1000 hour के बाद ये ग्रीस सजेशन मांगता है, यानी आपने देखा होगा जो बंदे यॉर्क चिलर पे काम कर रहे हैं, 1000 hour के बाद ल्यूब ग्रीसिंग का जो है यहां पे सजेस्ट करता है, जहां पे हम यहां पे देख रहे हैं
यहाँ पे जहाँ से जो है ना हम ग्रीस चार्ज करते हैं, ये तो हमारा नीचे साइड है, ऊपर की साइड से हम जो है ग्रीस यानी चार्ज कर देते हैं। उस ग्रीस का नाम होता है पॉलीरैक्स, ठीक है। ऑयल नेम पॉलीस्टर, ग्रीस नेम पॉलीरैक्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमारा ये हो गया था, और सेकेंड था हमारा हाई कंडेंसिंग टेम्परेचर, जो हमारी सेफ्टी के साथ में ही आएंगे, याद रखना, जो भी सेफ्टी है उसी के अकॉर्डिंग आपके आपका ट्रबल शूटिंग होगा, ठीक है। यानी आपकी प्रॉब्लम जो आएगी, आपकी सेफ्टी अगर आपने ठीक से नहीं मेंटेन की, आपका पीपीएम ठीक से नहीं मेंटेन किया, तभी आपका ट्रबल शूटिंग आएगा, ओके। तो हमारा हाई कंडेंसिंग टेम्परेचर, हाई कंडेंसिंग प्रेशर या टेम्परेचर, हमारा हाई कंडेंसिंग प्रेशर तब आता है, देखिए उसके चार रीजन है, चार रीजन ये है। पहला होता है कि हाई लोड, मान लीजिए 650 TR का हमारे पास चिलर, हमें साले को 700-800 HU, मतलब 700-800 TR के HU ही ऑन कर दे, तो क्या होगा, ये हाई लोड पे चला जाएगा, हाई लोड के साथ ये ट्रिप हो जाएगा। दूसरा रीजन ये है कि इधर का एरिया का 40 डिग्री सेल्सियस है एम्बियंट टेम्परेचर, आपको हमेशा याद रखना है कि चिलर से अगर एम्बियंट टेम्परेचर ज्यादा जा रहा है, यानी इसके इर्द गिर्द, एम्बियंट टेम्परेचर उसे कहते हैं जो चीज इर्द गिर्द के टेम्परेचर, जैसे ये मशीन लगी है इसके आसपास का आजू बाजू टेम्परेचर का कितना होता है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है, वहां से भी आपका हाई लोड के साथ वो सिस्टम आपका ट्रिप हो जाएगा। तीसरा है हमारा कूलिंग टावर वाटर लेवल, वाटर कूल चिलर की बात हो रही है, तो अगर हमारा कूलिंग टावर वाटर लेवल लो हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे मालूम है क्या कि ये हमारी गैस वेपर से लिक्विड बन रही है, अगर ये लिक्विड नहीं बनेगी ना, तो यहाँ पे हाई प्रेशर के साथ आपका चिलर यहाँ से भी ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। और भी तीन चीजें आपने कर लिया, लोड भी चेक हो गया, ठीक है, कूलिंग टावर वाटर भी सही हो गया, आपका एम्बियंट भी सही जा रहा, फिर भी हाई टेम्परेचर के साथ ये हो रहा है ट्रिप, तो आपको अप्रोच लेवल जो मेन होता है, अप्रोच की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो भी देख लीजिए, अप्रोच टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, वो भी है कि अप्रोच लेवल यानी आपका TDS PPM, आपके वाटर पैरामीटर्स ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, TDS PPM pH लेवल वो क्या है, वो कितना होना चाहिए, वो भी अगर ज्यादा जाएगा, आपका वाटर अगर सॉफ्ट से हार्ड बनेगा तो वहां पर भी आपका सिस्टम ट्रिप होगा। ये दूसरी सेफ्टी के साथ ये ट्रबल शूटिंग करेगा, ठीक है। हमारी तीसरी सेफ्टी ये थी लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट, लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट यानी जैसे हमारी गैस लीक हो रही है कहीं से तब आएगा, या फिर हमारे प्राइमरी पंप का प्रेशर लो हो गया, ठीक है, तब आएगा, या फिर हमारा सेट पॉइंट टेम्परेचर लो हो गया, तो वहां पे लो लिक्विड टेम्परेचर शो करेगा, लो लिक्विड टेम्परेचर के साथ शो करेगा। और जो बंदे यॉर्क वाले हैं वो चीज याद रखें, देखिए जब अगर हमारी गैस कम होगी ना, तो आप यहां देख लीजिए, ये कंडेंसर के पास आपको साइड ग्लास मिलेगा, यहां पे जब आपका सिस्टम चलता है ना, तो यहां पे लिक्विड गैस दिखेगी आपको, और अगर ये गैस कम होगी ना, तो यहां पे मॉइस्चर जम जाएगा। ये सिंपल सा फंडा है गैस चेक करने का यहां पे, बाकी आपका प्रेशर कितना होना चाहिए वो आप वैसे चेक कर सकते हैं, जो भी गैस का प्रेशर, मैंने गैस के भी उस प्रेशर की ये जो है वीडियो ऐड की हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया था हमारा थर्ड ट्रबल शूटिंग। हमारा फोर्थ है पुअर वाटर फ्लो स्विच, वाटर फ्लो स्विच मैंने आपको अलग से बताया हुआ है कि अगर वाटर फ्लो स्विच का काम होता है केवल पानी को मेजर करना, ठीक है, पानी को कैसे हमें जो मेजर करना है उस चीज का काम होता है हमारे वाटर फ्लो स्विच का, अगर पानी नहीं आएगा तो ये सिस्टम को ट्रिप करा देगी, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए मान के चलिए हमारे सिस्टम पे ओपन फ्लो स्विच, अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, शायद कोई होगा, देखिए यहीं पे आया है, ये अलार्म ऐसे आएगा, लिविंग चिल लिक्विड फ्लो स्विच ओपन, इसमें ओपन क्लोज होगा, अगर क्लोज यहाँ पे लिखा रहेगा तो सिस्टम चल जाएगा, अगर ओपन आ गया तो ऑफ हो जाएगा। ओपन मतलब क्या होता है, NCNO बनता है इसमें, नॉर्मल ओपन नॉर्मल क्लोज, तो इसमें ये हुआ था, यहाँ पे देखिए ये इसने काम ना किया होगा तो सिस्टम हमारा ऑफ हो गया होगा। तो इसको चेक करने के लिए यानी इसको ट्रबल शूटिंग करने के लिए पहला होता है कि हमें पंप चेक करना चाहिए, पंप हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर आपने वाल खोले हुए हैं तो वाल पहले तो आपने ओपन किए हैं, वाल भी ओपन करना चाहिए इनलेट आउटलेट का, क्योंकि वाल नहीं खुलेगा तो आपका प्रेशर आएगा नहीं और वो चीज़ मेजर कर नहीं पाएगा। आपने पंप चेक करना होगा, वाल चेक करने होंगे, कूलिंग टावर पे वाटर लेवल चेक करना होगा, वाटर लेवल कम रहेगा तब भी ये आपका ऑफ हो जाएगा। फिर उसके बाद सबसे मेजर इशू आता है कि एयर, कूलिंग टावर में अगर आपका एयर पानी नहीं रहेगा तो वो एयर सक करेगा, ठीक है, एयर खींचेगा, तो एयर आ जाती है आपके लाइन में तब भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती, जिसकी वजह से ये आपका हाई टेम्परेचर के साथ भी ट्रिप होता है, सर्ज भी आता है, यानी हाई लोड चला जाएगा अगर आपके लाइन में एयर आई। ये आपको हमेशा याद रखना, कूलिंग टावर से जो भी वाटर कूल चिलर होता है 90% प्रॉब्लम आपकी कूलिंग टावर से आती हैं। अगर आपने कूलिंग टावर को ठीक रखा है, TDS PPM लेवल, उसके वाटर पैरामीटर, उसका जो वाटर टेम्परेचर और जो है
उसका सॉफ्ट वाटर सब कुछ अगर सही है ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम यानी वहीं पे हल हो जाती है आपकी कूलिंग टावर अगर आपका ठीक रहेगा तो। फिर हमने आपको बताया था एंटी फ्रीज कैसे उसकी ट्रबल शूटिंग होती है। एंटी मतलब होता है किसी चीज़ का विरोधी, फ्रीज मतलब होता है बर्फ, यानी बर्फ को नहीं जमने देना, ये होता है एंटी फ्रीज का अलार्म। जल्दी से एंटी फ्रीज का अलार्म इसके अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें पहले ही एक सेटअप कर दिया जाता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कितने टेम्परेचर पे आपका सिस्टम जो है ना वो चीज जो है सेटअप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2.7 डिग्री फारेनहाइट, अगर हम इसको सेल्सियस में लेंगे, ये जो 32 डिग्री फारेनहाइट को हटा दीजिए तो 2.7 की बात हो रही है, तो यहाँ अगर सेल्सियस में लेंगे तो अप्रोक्स मैं मान के चलिए 2 डिग्री सेल्सियस में ये सिस्टम हमारा ट्रिप कर जाएगा। यानी जैसे ही हम 7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे सेट करके भेजते हैं पानी को, जो हमारा सेट पॉइंट होता है 7 डिग्री सेल्सियस, वो हम सेट करके भेजते हैं अपने जो है कूलिंग एरिया में यानी एचयू में, अगर वो टेम्परेचर कोई भी ऑपरेटर ऑपरेटिंग कर रहा है यहाँ से, उसको जो गलती से सेट पॉइंट हमारा लो हो जाए, ठीक है, सेट पॉइंट लो हो जाए जिसकी वजह से ये सिस्टम हमारा एंटी फ्रीज तक चला जाए, लेकिन उस कंडीशन में हमें जाए ही ना, इसलिए हम यहाँ पे सेटिंग कर देते हैं 2.7 यानी 2 डिग्री या 3 डिग्री पे हम सेट कर देते कि हमारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा एंटी फ्रीज से पहले, ठीक है। तो एंटी फ्रीज आने का दो रीजन है, पहला होता है कि टेम्परेचर हमारा लो हो गया, दूसरा होता है कि हमारे प्राइमरी पंप का प्रेशर स्लो हो गया यानी प्रेशर ही धीमा हो गया। देखिए कोई चीज अगर हिलती रहेगी ना वो जम नहीं पाती जल्दी से, वो जो है जमेगी नहीं, लेकिन अगर जैसे वो रुक गई तो गैस को चांस मिल जाता है उस पानी को जमाने का। तो अगर आपको पता है अगर ये गैस पानी को जमा देगी तो ये पूरा ट्यूब है, सेलन ट्यूब टाइप होता है ये जो हमारा एवोपरेटर, सेलन ट्यूब टाइप में याद रखना, सेल में हमारा पानी रहता है, ट्यूब में हमारी गैस रहती है, ठीक है, ये हमारे एवोपरेटर में रहता है। लेकिन अगर कंडेंसर की बात की जाए तो ट्यूब में हमारा पानी रहता है और सेल में हमारी गैस रहती है, ये चीज अपोजिट होता है उसमें, ठीक है, ये होता है एंटी फ्रीज को ना लाना। छठा था हमारा, सिक्स था सेफ्टी हमारी एंटी सर्ज। तो एंटी सर्ज की ट्रबल शूटिंग आपको मालूम है, मैंने सेपरेट वीडियो एंटी फ्रीज एंटी सर्ज, ये जो वाटर फ्लो स्विच, गैस का प्रेशर कितना है या टीडीएस पीपीएम कैसे, सारी वीडियो अलग अलग करके डाली है, आप आराम से जो देख सकते हैं, ठीक है। एंटी सर्ज देखिए इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूं, एंटी सर्ज कैसे होता है, ये प्रेशर होता है, प्रेशर मतलब कैसे है कि सक्शन प्रेशर एंड ये जो डिस्चार्ज प्रेशर, यानी सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर के बीच में अगर डिफरेंट ज्यादा आ रहा है तो हमारा एंटी सर्ज आएगा। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अगर हाई प्रेशर, अगर हमारे गैस जो है R134A पड़ी हुई है और उसका डिस्चार्ज प्रेशर 90 से 150 तक जाता है, अगर 150 PSI से ज्यादा जा रहा है तो क्या होगा, वो गैस वेपर से लिक्विड ठीक तरह से ये जो बन नहीं पाएगी और ये गैस वापस चली जाएगी। यानी जो कैपेसिटी है ना इसकी, जैसे एक मान के चलिए हमारी कैपेसिटी क्या है, हम लोगों की यार कैपेसिटी क्या है, चार रोटी खाते हैं, ठीक है। अगर कोई कहे नहीं भाई तू अब भी खा जो है 10 रोटी खा के दिखा, तो क्या होगा यार कि वो खाना हमने तो जबरदस्ती मान के चलो हमने ठूंस लिया, जबरदस्ती खा लिया, ठूंस लिया साला, फिर उसमें होगा क्या यार, वो खाना कहीं ना कहीं से बाहर आएगा, मतलब तुरंत बाहर आएगा। तो ये होता है सिस्टम। तो इसमें यही होता है कि जो हमारी गैस ओवर प्रेशर आ जाएगी, बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, तो ये गैस कहीं ना कहीं से बाहर चली जाएगी। तो इसमें होता क्या है कि नीचे की लाइन आप ये देख रहे हैं, ये हमारी एक्सपेंशन लाइन होती है, एक्सपेंशन लाइन हमारी होती है पतली और ये होती है मोटी। तो जहां से गैस आई है ना, ये गैस ये लाइन मोटी मिली वापस भेज दिया इसको जो कंप्रेसर में, वापस कंप्रेसर में चली गई। तो वापस जब कंप्रेसर में जाएंगे तो वहां पे सर्जिंग होगा। सर्ज मतलब क्या होता है, सेट पॉइंट यानी जो हमारा पैरामीटर होता है उससे बहुत ज्यादा आ जाना या फिर बहुत कम आ जाना, ये दोनों साइड पे होता है, हाई लोड पे होता है, लो लोड पे होता है। तो अगर सर्ज कोई पूछे तो आप ये बता सकते हैं कि डिफरेंट प्रेशर सक्शन एंड डिस्चार्ज, ये हाई लोड पे भी होता है, लो लोड पे होता है। ये हमारी 6 सेफ्टियों के 6 आपको मैंने ट्रबल शूट बता दिए कि कैसे करने हैं। अगर ये ट्रबल शूट आता है आपका एंटी सर्ज, तो आपको प्रेशर चेक करना होगा, क्या रीजन है आपके कूलिंग टावर में पानी है नहीं है, आपका लोड कैसे जा रहा है, तो ये सब सर्ज के जो है ये होता है ट्रबल यानी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो भाई, आई एम सॉरी वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग चली गई है, लेकिन आपको भी ये चीज समझाना था ट्रबल शूटिंग कैसे की जाती है, सेफ्टी के साथ क्या क्या होता है। ओके आई होप आपको समझ में आया। ओके थैंक यू भाई।